आज बनाते हैं ये राजस्थानी मिर्ची वड़ा। ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी रहता है और अंदर मसालेदार स्टफिंग भरी हुई। इसे बनाने के लिए मैंने 3 बड़ी मिर्ची ली है। मिर्ची को इस तरीके से काट लेंगे। ऐसे ही सारी मिर्ची को काट लेंगे। काटने के बाद अंदर के बीज को निकाल लेंगे। इस वड़े को आप ज़रूर बनाएं, ये आपके परिवार में सबको बहुत ही पसंद आएगा। एक बोल लेंगे और उसमें डालेंगे 3 उबले हुए आलू। आलू को अच्छे से मैश कर लेंगे। इसमें डालेंगे 2 कटा हुआ प्याज, 2 कटी हुई हरी मिर्च, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर और 1/4 चम्मच नमक। सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। मिलाते ही तैयार हो जाएगी हमारे वड़े की स्टफिंग। स्टफिंग को हम मिर्ची के अंदर भरेंगे। आलू की स्टफिंग हमें अच्छे से भरनी है और ऊपर जो एक्स्ट्रा रहेगा उसे हम निकाल लेंगे। इसी तरह सारे स्टफिंग भर लेंगे। एक दूसरा बोल लेंगे और उसमें डालेंगे 4 बड़ा चम्मच बेसन, 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और पानी। थोड़ा थोड़ा कर हम पानी डालेंगे और मिलाएंगे और इसका एक स्मूथ बैटर तैयार करेंगे। यहाँ मैंने लगभग 1/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है। सब कुछ मिलाने के बाद इसमें डाले चुटकी भर बेकिंग सोडा। इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। अब मिर्ची को डालेंगे बेसन के बैटर में और इसे अच्छे से कोट कर लेंगे। गर्मा गर्म तेल में इसे फ्राई कर लेंगे। सभी वड़ों को ऐसे ही फ्राई कर लेंगे जब तक ये सुनहरा और क्रिस्पी ना हो जाए। तो चलिए इसे पलट लेते हैं। तो देखिए हमारे वड़े कितने अट्रैक्टिव लग रहे हैं। तो अब ये सुनहरे हो चुके हैं, अब इसे निकाल लेते हैं। मैं आपको एक वड़ा काट कर दिखाती हूँ। ये बाहर बहुत ही क्रिस्पी है और अंदर पूरे मसालेदार स्टफिंग से भरी हुई। तो हमारे राजस्थानी मिर्ची वड़े तैयार है। इसे आप टोमेटो सॉस या हरी चटनी के साथ परोसें। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।